आप उद्योग भवन मेट्रो उतर सकते हो, वहाँ से आपको ऑटो वाले भैया 40 रुपये लेंगे और डायरेक्ट आपको वहीं पे छोड़ देंगे। तो पहले 3 मूर्ति हम उतरेंगे, मतलब 3 मूर्ति जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें वहाँ पे देखने लायक। सो जो मेरी टिकट टाइमिंग है वो 1:30 बजे की, और अभी 1:24 हो रहा है, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास और हमको बहुत जल्दी भागना है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ नेहरू प्लेनेटोरियम, और जस्ट ये 3 मूर्ति के पास में है सामने। चलिए तो एंट्री करते हैं। एंट्री यहीं से, एंट्री अंदर। टिकट लिया ना म्यूजियम की आज? अच्छा, थैंक यू। सो जो एंट्री है आपकी यहाँ से नहीं होने वाली है, आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा कि सर ने अभी मेरे को थोड़ा हेल्प किया है, उन्होंने कहा कि एंट्री यहाँ से नहीं है, आपको आगे की तरफ से जाना पड़ेगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। सो बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से बोर हो रहा था घर पे, संडे मेरा बहुत वेस्ट जा रहा था। सो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा घूम लिया जाए, दिल्ली दर्शन किया जाए। और काफ़ी टाइम से मैं मतलब दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया दिल्ली को। सो दिन भर काम करो, सैटरडे संडे छुट्टी करो, मज़े करो, घूमो फिरो, ऐश करो। अच्छा, आपको अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आपको एक बात पता होगी कि दिल्ली में लेडीज़ के लिए कोई भी टिकट नहीं लगती है। अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो एंड फीमेल हो तो आपकी दिल्ली की किसी भी बस में कोई भी टिकट नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से। एंट्री यहीं से ऑनलाइन है? ऑनलाइन है? ऑनलाइन हो गई है मेरी। हाँ, स्कैन हो गई, चेक करा दी। ठीक है जी। तो पहले आपको एंट्री करनी स्काई थिएटर के अंदर। है होने वाला है, काफी अंधेरा अंदर। वो स्टार्ट होने वाला है। मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। मोबाइल फोन और यात्रांत में अंतरिक्ष यात्रियों ने कई ली। पहले माना जाता था क्लेमेंटाइन एवं ल्यूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा। ल्यूनर प्रोस्पेक्टर का अंतिम उद्देश्य था धूल और पानी की भाप का बादल उठाना। पृथ्वी से देखने पर इस तरह के आंकड़े नहीं मिले कि चंद्रमा की सतह के नीचे। तो ये जो शो था ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का था, और बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो 10 out of 6 रहेगा, बिकॉज इतना भी इंटरेस्टिंग प्रेजेंट नहीं किया था। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो ठीक है ओवरऑल एक्सपीरियंस। लाइक स्कूल के बच्चों के साथ जिनको कुछ भी मालूम नहीं है सोलर सिस्टम के बारे में, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए, न्यू लर्निंग रहेगी। तो छोटा सा मतलब स्टूडियो है अंदर, उसके अंदर आप बैठ सकते हो। वहाँ पे चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, 80 रुपये की टिकट थी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा। मतलब इतना वेस्ट भी नहीं कि आपको लगे कि हाँ भाई मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे आप आइए, बच्चों के साथ आइएगा, उसके अलावा आप पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बताता हूँ ये नेहरू प्लेनेटेरियम में मतलब होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, ये जो नेहरू प्लेनेटेरियम है ये 3 मूर्ति में है, और ये 3 मूर्ति क्या है, जहाँ पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। ये उनका घर है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने। तो ये कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो इनके जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ का है ये। तो
तो वो जो एरिया जहाँ पे हम आ रहे थे ना, वहाँ पे हमको पुलिस वाले ने रोका था, वो यहाँ से एंट्री करने की जगह है। और ये है मतलब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित लाल नेहरू का घर, मतलब जहाँ वो रहा करते थे। और यहीं पे एक शो चलता है, मतलब 11 बजे का शो है, 1:30 बजे का शो है, अब जो नेक्स्ट शो है वो 3 बजे का, यानी कि अभी 2:23 हो चुके हैं, 3 बजे का शो है, तो उसकी टिकट वगैरह मिलने लगी है। और जो शो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे इस सामने वाली गुंबद के अंदर। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू हमको जितने भी शोज़ थे, सीन वगैरह यहीं से दिखाए गए थे। काफ़ी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर 3D होता तो क्या बात थी, मज़े ही आ जाते। बट एज़ पर प्राइस, यानी कि 82 रुपीज़ की टिकट थी, उसके हिसाब से ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं। सो मैं अभी हूँ 3 मूर्ति नेहरू प्लेनेटोरियम पे, और यहाँ पे हमने अभी शो देखा है सोलर सिस्टम के बारे में। टिकटिंग प्राइस था वो 80 रुपीज़ था, बुक माई शो पे आप जाके इसको बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ आके लाइन में लग के ले सकते हो टिकट, बस 9 रुपये आपको देने पड़ेंगे जो कन्वीनियंस चार्ज होता है, उसके बाद आराम से आप शो के मज़े ले सकते हो। मुझे शो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था। लाइक सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कि कैसे हमारी पृथ्वी की शुरुआत हुई और कैसे कितने ग्रह वगैरह हैं। प्लूटो के बारे में बताया हुआ था कि प्लूटो को कब मतलब ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। सो काफ़ी चीज़ें थी जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो सारा जो स्कूल वाला टाइम था वो दोबारा रिकॉल हो गया है। काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। बट काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अकेले आओगे तो बोर हो जाओगे, 1 घंटे आपको बैठना पड़ेगा कुर्सी पर टेक के। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। तो शो देखने के बाद पेट पूजा करने की बारी, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से 3 मूर्ति नेहरू प्लेनेटोरियम। देखेंगे आसपास कुछ खाने पीने का जुगाड़ बनता है कि नहीं बनता, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर हौज खास जिंदाबाद है, हौज खास बैठेंगे, चिल करेंगे थोड़ा। तो हमारे साथ हैं तक्षस मॉम, वीडियो यूट्यूब चैनल है, तो ये भी हम लोगों के साथ अभी नेहरू प्लेनेटोरियम में है। और ये है तक्षस, हाय करो। तो इनका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम है तक्षा की दुनिया। अच्छा, इनका नहीं नहीं, इनका तक्षा का जो चैनल है। अच्छा, तो उनका चैनल है तक्षा की दुनिया, इनका है तक्षा मॉम। ओके, सो इन्होंने भी जस्ट अभी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया मेरी तरह। सो आप इनके चैनल पर जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और आप इनके साथ भी मतलब घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो वर्चुअली। अभी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ घूम के? मतलब चिल्ड्रन डे स्पेशल पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे आके इन्होंने शो एंजॉय किया है, राइट? तो चलिए ठीक है, मिलते रहेंगे इनसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो व्लॉगिंग करते टाइम मतलब आपको काफी लोग मिलते हैं, काफी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। लाइक जैसे कि अभी मुझे तक्षस मॉम चैनल मिला, मतलब उन्होंने अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। लाइक आज चिल्ड्रंस डे है, तो उन्होंने अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चे के साथ वो यहाँ पे आए, और काफ़ी अच्छा लगा उनको, मुझे भी अच्छा लगा। बट फिलहाल तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, और मैं भागने वाला हूँ पेट पूजा की तलाश में, तो पहले मैं पेट पूजा करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं वही आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ नेहरू प्लेनेटोरियम में आ रहे हैं और आपकी टिकट है शो की, तो आप अपना एक आईडी प्रूफ लेके आएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी लेके आ सकते हैं। विदाउट आईडी के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है अंदर। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने फ़ोन में आप दिखा सकते हो आधार, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो प्लस एड्रेस भी शो होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आप नेहरू प्लेनेटोरियम आ रहे हैं तो आप अपना आईडी कैरी ज़रूर करें। और बेसिकली हमको डे टू डे लाइफ में कैरी भी करना चाहिए, ताकि कभी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
रास्ता बंद है, कृपया यहाँ आने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो अब टाइम मिला मुझे और फाइनली मैं सीपी में बागुंडी आ गया हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम जब मम्मी कपिल के साथ आया था तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था दही बड़ा और पनीर वेज रोल, तो काफ़ी टेस्टी है। सो मैं दोबारा वही ऑर्डर करने वाला हूँ, काफ़ी मुझे पसंद आया था। और ये जो रेस्टोरेंट है ये आपको थोड़ा साउथ इंडियन फील देता है, लाइक मोस्टली जो साउथ इंडियन फूड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस वगैरह पे मिल सकते हैं। आप आइए यहाँ पे बागुंडी कनॉट प्लेस, काफ़ी टेस्टी फील होता है। पहले पेट पूजा कर लेता हूँ, घर ही निकलना यार, काफ़ी घूम लिया आज मैंने। जैसे कि पहले प्लानिटोरियम गया, फिर उसके बाद मैं जोरबाग चला गया, कौन सा मेरा था सदरजंग टॉप, फिर वहाँ से फिर मैं चला गया कहाँ लोधी गार्डन, लोधी गार्डन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर सी पी से घूमता फिरता यहाँ पे मैं सिटी में आ गया। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन, काफ़ी अच्छा था। मतलब पूरा जो एक वीक का जो काम करने का जो स्ट्रेस था पूरा सॉर्ट आउट हो गया। चलिए खाते हैं।